टी20 विश्व कप 2021 का आगाज हो चुका है। सोमवार को हुए अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। हालांकि अंग्रेजों ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन विराट एंड कंपनी ने 199 रनों के टारगेट को एक ओवर पहले ही 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दुबई में होने वाले टी20 महाकुंभ से पहले सोमवार को भारत ने इंग्लैंड के साथ अभ्यास मैच खेला। इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इंग्लैंड की शुरुआत कुछ खास शानदार नहीं रही। जेसन रॉय, जॉस बटलर, इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और लायम लिविंगस्टन ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 52 रन जोड़े। 15वें ओवर में लिविंगस्टन 30 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम ओवर्स में मोइन अली ने 20 गेंदों पर ताबड़तोड़ 43 रन बनाकर स्कोर को 180 के पार पहुंचाया। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा यानी कि 3 विकेट लिए। इंग्लैंड के 168 रनों के जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत की। केएल राहुल और ईशान किशन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। केएल राहुल और ईशान किशन ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। ईशान किशन ने 46 गेंदों पर 70 रनों की धुआंधार पारी खेली और जबकि राहुल ने 24 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। तीसरे नंबर पर आए कप्तान विराट कोहली, जो कुछ खास नहीं कर पाए और 11 रन बनाकर लिविंगस्टन का शिकार बन गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने 14 गेंदों पर 29 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजों का प्रदर्शन आने वाले मैचों में भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। खासकर भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म में आना भारत के लिए काफी जरूरी है। भारत को अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को खेलना है और इस खास मैच के लिए भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।